हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ राज। ये EHI 01 का 6 चैप्टर है, इंपीरियलिज्म ब्लॉक का, जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में PDF फाइल दिया है, साथ ही साथ आप ये नोट्स बना भी सकते हैं, और अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो आपको PDF फाइल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ राज। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन और उसके इंटरनेशनल सिचुएशंस अलग अलग उसमें क्या रही थी वो रहेगा। सेकंड में आपका रहेगा कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कैसा उनका बिहेवियर रहा था। तो शुरू करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ राज, दैट इज इंट्रोडक्शन। बाय 1818 इंडिया वाज कम्प्लीटली एक्वायर्ड बाय ब्रिटिश एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध। ब्रिटिश फॉलोड अ टू फोल्ड पॉलिसी फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ राज। 1818 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया पे ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था सिर्फ पंजाब और सिंध को छोड़ के। साथ ही साथ ब्रिटिश ने टू फोल्ड पॉलिसीज अपनाई थी, जो कि राज को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ अ सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेकेंड इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज। पहला उन्होंने एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया था, नया सिस्टम वहाँ पर स्टार्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करने शुरू किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में, जो कि हमें इंश्योर कर रहा था कि जो भी उन्होंने न्यूली टेरिटरीज कॉन्कर्ड की है उनको वो अच्छा खासा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। द पॉलिसी ऑफ डिफेंडिंग ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज ऑफन डिस्क्राइब एज एन इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरीज को डिफेंड करने की जो पॉलिसी बनाई थी उसको उन्होंने क्या कह दिया था, दैट इज़ एन इंपेरियलिस्ट पॉलिसी। फर्स्ट इनका इंटरनेशनल सिचुएशन जो आता है वो आता है ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन सब कॉन्टिनेंट्स। पहला इसमें जो टॉपिक है वो मैं बताती उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिटिश इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन विद द फ्रेंच आफ्टर डिफीटिंग डच एंड पोर्चुगेज। ब्रिटिश ने खुद को इन्वॉल्व किया था एक कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि डोमिनेट कर रहा था फ्रेंच को डच को हराने के बाद, डच और पोर्चुगीज को हराने के बाद। तो फ्रेंच अपना कब्जा किसके ऊपर जमाना चाह रहा था, वो अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहा था डच एंड पोर्चुगीज के ऊपर। फ्रेंच डिसअपियर्ड हुए थे जब टीपू सुल्तान का डिफीट हुआ था एंड नेपोलियन इन 1778 में। फ्रेंच इस तरह से यहाँ से डिफीट हो गए थे दो तरह से, जब टीपू सुल्तान हारा था और नेपोलियन आया था और उसको भी हरा दिया था 1788 में। कोलैबोरेशन हुआ था फ्रेंच पर्शिया एंड रशिया अलार्म द ब्रिटिश। अब कोलैबोरेशन जो हो चुका था फ्रेंच पर्शिया और रशिया, इन तीनों जब एक साथ आ गई थी तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन फ्रेंच थ्रेट डिसअपियर्ड एंड ब्रिटिश वन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन। अब नेपोलियन के हारने के साथ साथ फ्रेंच का जो थ्रेट था इंडिया पे वो ख़त्म होने लगा था, गायब होने लगा था, और ब्रिटिशर्स ने यही एक पॉइंट लिया कि मैं यहाँ पर अब अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। डिक्लाइन ऑफ चाइना। चाइनीज पावर सुप्रीमेसी एंड प्रेस्टीज ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिक्लाइन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। चाइनीज जो थे वो डिक्लाइन हो चुके थे, चाइनीज की पावर, उनकी जो उन्होंने सुप्रीमेसी खुद को सुप्रीम बताया था वो, और उनकी जो प्रेस्टीज थी ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में वो डिक्लाइन हो चुकी थी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में। अब जैसे ही ये डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना कब्जा दिखाना शुरू किया, और जिसकी वजह से विच आर ट्राइंग टू ओपन अप चाइना फॉर ट्रेड। अब ये सब होने के बाद ड्यूरिंग द पीरियड चाइना रेजिस्टेड विद मेनी यूरोपियन पावर्स। चाइना ने काफ़ी सारी यूरोपियन पावर्स के साथ रेजिस्ट किया था, साथ ही साथ उन्होंने उनके साथ बिजनेस करने का, ट्रेड करने का भी एक ऑप्शन यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है थ्रेट ऑफ रशिया। द रशिया रैपिडली एडवांस टूवर्ड्स द नॉर्दर्न ब्रिटेन वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ अफगानिस्तान। अब रशिया जो था अपने आप को बढ़ा रहा था कहाँ की तरफ, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर का, जो कि अफगानिस्तान की तरफ को वो खुद को मूव कर रहा था। मिर्ज़ा मोहम्मद इंक्लाइन टूवर्ड्स रशिया। हमारा एक पर्सन था मिर्ज़ा मोहम्मद, वो खुद को रशिया की तरफ इंक्लाइन करता हुआ मिला, तो इससे क्या हुआ कि रशिया कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो चुकी थी। शोज द रशियन डिटर्मिनेशन
of controlling the whole of Near and Middle East, and this was seen as posing a threat to Afghanistan. अफगानिस्तान का एक पोर्शन था, मतलब रशिया ने क्या किया, खुद को इतना डिटरमाइंड बताया कि भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने नियर बाय एरियाज को या फिर मिडिल ईस्ट के नियर बाय एरिया को, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को एक अच्छा खासा थ्रेट मिला था. और जो मिर्ज़ा मोहम्मद थे ये भी अफगानिस्तान से ही थे और इन्होंने खुद को इंक्लाइन किया था रशिया की तरफ. अफगानिस्तान आता है नेक्स्ट. सेंटर ऑफ अ ब्रिटिश ट्रेड, ये एक सेंटर था ब्रिटिश ट्रेड का, ब्रिटिशर्स यहाँ से अपना ट्रेड करते थे. ये एक रास्ता था सेंट्रल इंडिया जाने के लिए भी, और ब्रिटिशर्स इसीलिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे कि वो सेंट्रल इंडिया में आने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से होकर आना पड़ेगा. रशिया वॉन्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल इन सेंट्रल एशिया. रशिया जो था अपना कंट्रोल, अपना कब्जा दिखाना चाहती थी सेंट्रल एशिया में. ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू सिक्योर कमांडिंग इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बाय ऑक्यूपाइंग एडवांस स्टेशन इन सेंट्रल एशिया. ब्रिटिशर्स ने खुद को इतना वो कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर, अपना कमांड इतना बना लिया था कि अब वो क्या कर रहे थे कि उनका एडवांस सिस्टम जो था वो कंट्रोल कर रहा था सेंट्रल एशिया की पॉलिसीज को. ब्रिटिशर्स इतना आप उन लोगों के साथ आकर अपने आप को अपना रूल इतना ज़्यादा दिखा रहे थे. उसके बाद केम टू बी नोन एज फॉरवर्ड पॉलिसी एंड बाय क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग विद रशिया. अब इसी वजह से उनको क्या कहा गया कि वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा डिप्लोमेटिक रिलेशन आ रहा है रशिया के साथ. उन्होंने रशिया को बोला वी आर देयर फॉर यू, बट कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक डिप्लोमेटिक आंसर उनको दिया था कि वो खुद का कंट्रोल और खुद को यूज़ कर सके फॉर द सेक ऑफ देयर बेनिफिट्स. नेक्स्ट आता है फर्स्ट अफगान वार. एक अफगान वार हुई थी जो कि पहली अफगान वार ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था. मतलब ये वॉर जो हुई थी, ब्रिटिशर्स उस वॉर की हार नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे. रिटर्न ऑफ डाट मोहम्मद ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल. अब काबुल में कौन आया था, डाट मोहम्मद वापस आ चुके थे. मेंटेन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स इंग्लैंड विच प्रोवाइड ईज़ टू इंग्लैंड अगेंस्ट रशिया. अब इस लड़ाई होने के बाद इंग्लैंड एकदम न्यूट्रल हो गया था. अब उसको कोई नहीं चाहिए था, वो एकदम ऐसा दिखा रहा था कि मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है. और इसने ऐसा इसलिए भी किया था कि इंग्लैंड खुद को ईज़ कर सके रशिया के अगेंस्ट, अपनी पावर दिखा सके. नेक्स्ट अगेन सेकेंड अफगानिस्तान वॉर हुई थी, दैट इज़ 1874, जिसमें कंजर्वेटिव्स बिलीव कर रहे थे दैट फॉर्म पॉलिसी फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू सेकेंड अफगान वॉर. और यहाँ पर सेकेंड अफगान वॉर जो हुई थी, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक पॉलिसी फॉलो की थी दैट इज़ फॉर इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि सेकेंड अफगान वॉर के लिए हुई थी. अब ये वाली वॉर अफगान्स के लिए डिज़ास्टर प्रूफ हुई. फर्स्ट वॉर ब्रिटिशर्स के लिए अब डिज़ास्टर प्रूफ हुई थी, सेकेंड वॉर अफगान्स के लिए डिज़ास्टर प्रूफ हुई. रशियन एक्सपेंशन कंटिन्यूड, रशियंस का अपना एक्सपैंड करना काफ़ी कंटिन्यू रहा था. ओल्ड एनिमी ऑफ ब्रिटिश रशिया एंड फ्रांस केम क्लोजर एंड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटिटी 1907. अब जो पुराने दुश्मन थे, जो कि ब्रिटिश रशिया और फ्रांस, ये सब अब पास आ गए थे और इन्होंने एक एंटिटी फॉर्म किया था, दैट इज़ ट्रिपल एंटिटी, जो कि 1907 में इन्होंने फॉर्म किया था.